वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक्सेल की धमाकेदार ट्रिक्स में। तो आइए घर बैठे एक्सेल सीखो में आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम रो को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कॉलम में। ठीक है, तो ये रो सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल ए करूंगी, जिससे हमारी सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी, रो विद कॉलम। अब उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और इसको एक नई लोकेशन देंगे। और यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने दिखा रखा है, ऑल्ट ई वी एस ई एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट हो चुका है ट्रांसपोर्ट, और एंटर कर देंगे। अब देखिए कैसे रो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, बाकी इसको याद करने का तरीका है, जैसे टीवीएस होता है वैसे हमने ईवीएस कर रखा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।